उम्मीद है दोस्तों आपने आईडी कार्ड बनाना सीख लिया होगा। एक्सेल में हम आईडी कार्ड किस प्रकार जनरेट करें, ऑटोमेटिक आईडी कार्ड। दोस्तों यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब हम आईडी कार्ड प्रिंट करें और एक साथ हमने बहुत सारे आईडी कार्ड प्रिंट करने हैं तो हम एक साथ ज़्यादा आईडी कार्ड कैसे हम जनरेट करेंगे। एक बार में एक जनरेट करना तो हमने बताया था और अब बताएंगे हम एक साथ बहुत सारे आईडी कार्ड एक बार में जनरेट करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीखते हैं। मैंने यहाँ पे छोटी सी फाइल ली है, आपके पास फाइल बड़ी हो सकती है। अगर आप स्कूल में हैं, स्टूडेंट आईडी कार्ड बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स की काफ़ी बड़ी लिस्ट होगी। मैंने एम्प्लॉय की ले रखी है, 10 एम्प्लॉय की लिस्ट, ठीक है। और एक फोल्डर के अंदर इनकी फ़ोटो मैंने डाल ली है। तो सिंगल आई कार्ड कैसे बनाएंगे वो आपने सीखा था वीडियो में, उसके लिए हमने यहाँ पे फ़ोटो ले ली थी। और मल्टी आई कार्ड एक साथ प्रिंट करने के लिए A4 साइज़ पे हमने बहुत सारे प्रिंट करने हैं, तब हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी दोस्तों। और उसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फोटो की बजाय फोटो का लिंक डाल दूंगा मैं यहाँ पे। लिंक डालने के लिए शॉर्ट की होती है इसकी, कंट्रोल के हम यूज़ करेंगे। तो फोटो मैंने रखी है देखो इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। और ये जितनी भी फोटो हैं इनका सभी का साइज इक्वल पहले एडजस्ट कर लेना है आपने। जितनी भी फोटो स्कैन करेंगे आप, स्कैन करते वक्त फोटो साइज तो एडजस्ट हो ही जाएगा, आपने किस साइज की फोटो आई कार्ड पे लगानी है वो साइज एडजस्ट कर लें, ठीक है। और एक एक फोटो नाम के साथ, जैसे ये नाम है इसकी, ये फोटो है, इसको ओके कर देंगे तो वो लिंक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल के यूज़ करेंगे और इसका लिंक है ये गोविंद, ये वाला लिंक आ गया। तीसरे पे जाएंगे, कंट्रोल के यूज़ करेंगे, फोटो पे जाएंगे और ये था जितेंद्र, ये वाली फोटो आ गई, ठीक है। ऐसे फटाफट हम यहाँ पे लिंक जोड़ देंगे। ओके, तो ऐसे लिंक लेने में अगर आपके पास 50-100 अगर नाम है तो ये लगा लो मैक्सिमम आपके पास आधा घंटा तक यहाँ पे लग जाएगा ये लिंक लेने के लिए, ठीक है। अब हमने जो स्लैश है इनके पास, ये डबल स्लैश करना है तो क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। रिप्लेस के लिए कंट्रोल H यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने रिप्लेस करना है सिंगल स्लैश को डबल बैक स्लैश में, ठीक है। और रिप्लेस ऑल पे कर देंगे तो आप देखोगे एक ही झटके में सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे, हमको सबका अलग अलग रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। ये काम कंप्लीट, इस फाइल को कर देते हैं सेव। ओके, अब चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एक ब्लैंक फाइल ले लेंगे हम यहाँ पे, इसका मार्जिन एडजस्ट कर लेते हैं हम। हो गया, अब सवाल आता है आपने यहाँ पे आई कार्ड जो जनरेट करने हैं वो पोर्ट्रेट करने हैं या लैंडस्केप करने हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप जैसे पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारा लगभग इतने तक एक आई कार्ड आ ही जाएगा, और लैंडस्केप करेंगे तो एक पेज में दो आई कार्ड आएंगे, एक पेज में कह रहा हूँ एक रो में, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने एक टेबल इंसर्ट कर लेनी है। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, अगर हमने पोर्ट्रेट करने हैं तो एक रो में तीन आ सकते हैं और लैंडस्केप करने होंगे तो एक रो में दो ही आएंगे। और कितने तक आ सकते हैं, नीचे पोर्ट्रेट है तो नीचे तीन आएंगे, लैंडस्केप है तो चार पांच आ जाएंगे ना, तो हम तीन पे यहाँ पे कर लेते हैं, 3 3 9, लगभग एक पेज के अंदर 9 आई कार्ड स्टैंडर्ड साइज बढ़िया वाले आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये रो की हाइट हमने एडजस्ट करनी है, इसकी हाइट बढ़ाएंगे हम, कंप्लीट ही कर लेते हैं, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे और कंप्लीट हाइट बढ़ा देंगे इसकी, ये लगभग आई कार्ड के साइज का हो जाएगा नीचे तक। इसको हम, ये दूसरे सेल में गया, इसको कम ही करेंगे, ये लो ये एक पेज में आ गए 9 आई कार्ड। इसका बॉर्डर वगैरह सही तरीके से आपने बनाना है तो बॉर्डर एडजस्ट कर सकते हैं हम। इसके डिज़ाइन में चले जाएंगे और बॉर्डर की लाइन का साइज जैसा लेना चाहें उस लाइन का साइज हम बॉर्डर का कंप्लीट ले लेंगे। आ गया, अब हमने सिर्फ एक आई कार्ड डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन करने के लिए आप अच्छा सा डिज़ाइन वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। मैंने एक, यार मान लो यहाँ पे शेप उठाई है और यहाँ पे मैं एक शेप डाल लेता हूँ,
इस शेप का जैसा आप कलर डालना चाहें फिल करेंगे शेप को, उस कलर से ये शेप फिल हो जाएगी। मैं कर लेता हूँ इसको ये डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे और करेंगे ऐड टेक्स्ट। यहाँ पे हमने कर देना है अपनी संस्था का नाम, हो गया। नेक्स्ट रो के अंदर एड्रेस लिख सकते हैं। अभी ये देखो नीचे जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे इसका थोड़ा सा जो लाइन स्पेस है वो कम कर देते हैं, ये वाला ले लेते हैं, और अलाइनमेंट सेंटर इसका थोड़ा सा बोल्ड कर दें, साइज बढ़ाना चाहें साइज बढ़ा सकते हो। हो गया लेबल। और कोई लेबल लगाना चाहते हो तो और नीचे लेबल लगा सकते हो। ऐसा ही नीचे सिग्नेचर के लिए, जैसे एम्प्लॉय के सिग्नेचर हो गए और ऑफिस के सिग्नेचर स्टैंप हो गई, वो नीचे आप लेबल बना सकते हैं। इसी तरह एक शेप ले लेंगे। अब बीच में हमने यहाँ पे काम करना है तो थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आईडी कार्ड, और आईडी कार्ड फोटो के लिए स्पेस छोड़ दिया। क्या क्या डिटेल डालनी है, नेम, और हमने क्या डालना है, डेजिग्नेशन डालनी है, एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, और भी कोई डिटेल अगर डालना चाहते हैं इसके साथ साथ, ब्रांच डाल दिए, या फिर ब्रांच की बजाय हम क्या करते हैं एम्प्लॉय आईडी ऊपर ही ऊपर डाल देते, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कोई नहीं, एम्प्लॉय आईडी की उसकी आईडी क्या है, ये चीज़ें, ये डिटेल हो गई। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, कलर देना चाहे इसका कलर दे सकते हैं। ये आईडी कार्ड, इसको हम सेंटर से अलाइन कर दें, साइज इसका थोड़ा सा बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। अब फोटो के लिए एक हमने क्या करना होगा, यहाँ पे फोटो के लिए एक टेबल और लेनी पड़ेगी, सिर्फ सिंगल कॉलम सिंगल रो की। ओके, इसको रिसाइज कर लेंगे आराम से। जो पिक्चर है, जो साइज एडजस्ट किया आपने पिक्चर का, उस साइज के हिसाब से हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और ये एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो सब हटा देंगे। अब देखिए हमने सारे में सभी में कैसे करेंगे ये चीज़ें। अब ये जो आईडी कार्ड है ये हमने सभी में एक जैसा चाहिए, तो क्या करेंगे उसके लिए, आप देखोगे मेलिंग का ऑप्शन होता है ना आपके पास, यहाँ पे मेलिंग के अंदर आप चले जाएंगे स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर, और यहाँ पे करेंगे लेबल पे क्लिक, ठीक है। हम इसका ये लेबल चालू कर देंगे 1 और 2 जो भी है, इसको रहने देंगे, ओके कर देंगे। ये उसके लेबल के हिसाब से शो कर रहा है इसको, और वापस इससे आने के लिए कंट्रोल जेड कर लेंगे, अंडू कर देंगे, तो हम वापस अपनी उसी पेज पे आ जाएंगे। तो आप देखोगे जैसे हमने लेबल चालू किया था तो वहाँ पे दिखा रहा है अपडेट लेबल, है ना, ये ऑप्शन चालू हो गया हमारा। अब ये लेबल हमने सभी पे अपडेट करना है, तो यहाँ पे सीधा ही क्लिक करेंगे इस पे अपडेट लेबल पे, आप देखोगे सारे आई कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, हो गए ना। अब हमने ये फिल करने हैं, क्योंकि फिल करेंगे एक एक तो बहुत टाइम लगेगा, जबकि हमारे पास टेबल है यहाँ पे, है ना। तो किस प्रकार फिल करेंगे, ये टेबल सेव है मेरी शम फैक्ट इन MS Excel के नाम से, मैंने इसको सेव कर रखा है। तो ध्यान रहे आपकी टेबल किस नाम से सेव है और वो डाटा कौन सी सीट में है, सीट नंबर 2 में ये डाटा है। इसको बोलते हैं मेल मर्ज। अगर आपने नहीं देखा है तो मेल मर्ज का हमारा वीडियो वो देख सकते हैं। अब हमने लेना है यहाँ पे, सबसे पहले तो करेंगे सिलेक्ट रिसिपेंट के अंदर, और यहाँ पे चले जाएंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन देगा कि कौन सी लिस्ट लेनी हमने, वो हमने सेव कर रखी है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये सम फैक्ट इन एक्सेल, इस नाम से थी ना एक्सेल की सीट, इसको हम कर देंगे यहाँ पे ओपन। ओपन करेंगे तो 2 ही सीट थी उसके अंदर, सीट 1 और सीट 2, हमारा डाटा था सीट 2 के अंदर, सीट 2 को सेलेक्ट किया और ओके कर लिया, तो वो सारा डाटा यहाँ पे जनरेट हो गया। आप देखोगे इंसर्ट मेल मर्ज का ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे सारा डाटा हमारे पास नजर आ रहा है। अब वो डाटा हमने लेना है, कहाँ पे लेना है, नेम की जगह नेम चाहिए हमको, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे, कितनी आगे चाहिए हमको नेम, यहाँ पे चाहिए, तो अब इंसर्ट फील्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे नेम के ऊपर, फिर डेजिग्नेशन में उसके बराबर आएंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे डेजिग्नेशन, फिर एड्रेस, एड्रेस पे आएंगे, कहाँ से का एड्रेस चाहिए हमको, यहाँ पे ही चाहिए, तो इंसर्ट फील्ड, फिर से हम चले जाएंगे उसका एड्रेस कहाँ पे है, सिटी और एड्रेस ये रहा, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आगे जाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, इंसर्ट फील्ड और मोबाइल नंबर है ना, ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। ऐसे ही
एम्प्लॉय आईडी चुन लेंगे यहाँ से, ये रही एम्प्लॉय आईडी, हो गई सारी डिटेल्स। अब रह गया हमारा फोटो का, फोटो और चाहिए तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमने एक कोड लिखना होगा यहाँ पे, इधर क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएंगी, लग गई ना। और यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्लूड, INCLUDE इंक्लूड पिक्चर, PICTURE, इतना लिखा इंक्लूड पिक्चर स्पेस इन्वर्टेड कॉमास यानी कि डबल कोट जिसको बोलते हैं वो। और अब चल जाएंगे इंसर्ट फील्ड में, इसी जगह ही का यूँ, और फोटो वाला जो हमारा कॉलम था ये हमने क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करा यहाँ पे देखो सब कुछ गायब हो गया ना, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हो जाने दो, कुछ नहीं करना। अब हमने सिर्फ इसको एक बार तो अपडेट कर देना था कि ये सब चीज़ें सभी में अपडेट हो जाएं। मैं इसको कर देता हूँ अपडेट, केवल सभी में अपडेट हो गया। अब हमने करना है यहाँ पे फिनिश मर्ज पे, फिनिश मर्ज पे गए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे ऑल जितने भी हैं सभी जनरेट हो जाएं और ओके कर देंगे। तो एक क्लिक करते ही आप देखोगे सभी की डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गई ना, सभी की एम्प्लॉय आईडी आ गई, सभी के नेम ऑटोमेटिक सारे क्लियर हो गए जितने भी थे, 9 और 3 12, बल्कि 10 ही थे मेरे पास, तो 9 और 1 ये 10, बाकी तो ये ब्लैंक आ गए, कुछ थी नहीं डिटेल्स आ गए, नहीं थी ना, तो ये ब्लैंक्स आ गए, कोई बात नहीं है, क्योंकि जो पेज पे हमने ले रखा है ये 9, तो पेज तो अगला बनना था, 9 के 9 आई कार्ड आएंगे लेकिन डिटेल उतनी आएंगी जितनी आपके पास होंगी। अब फोटो चाहिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया, और अपने कीबोर्ड से सिर्फ F9 एक बार प्रेस करेंगे, F9। ये मैंने क्या किया, फोटो तो सारी आ गई लेकिन ये थोड़ा सा ना फोटो का साइज ज़्यादा कम था, चलो कोई नहीं, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको सेव नहीं करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा जो भी डाटा था इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, अपडेट कर दूंगा इसको मैं सारे को, और जो ये फोटो का ये साइज है ये कम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर फोटो एडजस्ट हो जाएगी, इसको मैं सही से एडजस्ट कर लिया और अपडेट कर देता हूँ सारे को। अब फिर से लगा देंगे यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9, यहाँ पे लिखा हमने इंक्लूड पिक्चर स्पेस डबल कोट, डायरेक्ट हम यहाँ पे सीधा यही ले लेंगे फोटो, ओके, और इसको कर देते हैं अपडेट, करेंगे जनरेट फिनिश मर्ज इंक्लूड, ओके, और सेलेक्ट ऑल और F9, ठीक है। अभी फोटो का साइज थोड़ा सा जो सेल बनाया था वो बड़ा रह गया, यानी कि फोटो का साइज कम है, अपना फोटो का साइज उस हिसाब से एडजस्ट कर लें जितना हमने आई कार्ड पे फोटो ले ली हो। तो ये 10 फोटो थी मेरे पास, 10 डिटेल्स थी, 10 की 10 आ गई, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं थी, ये ब्लैंक आ गए, ठीक है। तो आसानी से एक बार में हम बहुत सारे आई कार्ड प्रिंट कर पाएंगे। आई कार्ड का जैसा डिजाइन आपको अच्छा लगे वो डिजाइन ले सकते हैं, मैंने तरीका बता दिया आपको कि हम किस प्रकार एक साथ A4 पेज पे मल्टी आई कार्ड किस प्रकार प्रिंट करेंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।